अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमने सिक्स क्लास के कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं एजुकेटर्स के जॉब्स के लिए, बट ये हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन एमसीक्यूज़ को एक बार अच्छे से तैयार कर लें। आज हम एमसीक्यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एम एस पेंट के हम एमसीक्यूज़ करते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। आज का हमारा एमसीक्यूज़ है 198, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ड्राइंग द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट द सिंपल ड्राइंग है, लाइक द रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगोन एंड लाइन्स। ये सारी की सारी रेक्टेंगल चीज़ों को बनाने के लिए जो हमें हेल्पफुल करता है कंप्यूटर के अंदर, वो हम किसके ज़रिए से कर सकते हैं, वो एमएस पेंट के ज़रिए से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 199, पेंट 3D इंट्रोड्यूस्ड विच इज़ यूज फॉर द 3D मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग। हम पेंट को 3D वे में कर सकते हैं, बट किसके थ्रू, कौन सी विंडो हम इंस्टॉल करनी चाहिए इसके लिए, विंडो टेन के ज़रिए से हम पेंट 3D कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज डैश आ माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। 201 MCQs है। पेंट इज डैश सॉफ्टवेयर, पेंट एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। विच वन इज़ द पेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा पेंट प्रोग्राम्स है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉर ओपनिंग द पेंट प्रोग्राम आफ्टर क्लिकिंग द स्टार्ट बटन वी क्लिक ऑन द, हमने अगर प्रोग्राम्स को पेंट प्रोग्राम को ओपन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, इन सब की जरह से मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेंट प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ओपनिंग द पेंट प्रोग्राम विच सिक्वेंस यू शुड फॉलो, जब हम पेंट प्रोग्राम को ओपन कर देते हैं तो हमें कौन सा प्रोग्राम मस्ट फॉलो करना चाहिए, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, फिर ऑल प्रोग्राम करना चाहिए, फिर ऑल एसेसरीज करनी चाहिए और फिर पेंट करना चाहिए। ठीक है, सारा की सारी चीज़ें हमें जमा करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है इन द गिवन पिक्चर आर रिप्रेजेंट डैश, इस पिक्चर में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सबसे ऊपर ऊपर क्या होती है, टाइटल बार होती है, तो इसमें क्या शो कर रहा है, टाइटल बार को ही। नेक्स्ट देखते हैं द टाइटल बार इज डिस्प्ले द, टाइटल बार हमें क्या डिस्प्ले करती है, द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नेम शो करती है। टाइटल बार्स में एडिशनल से इंफॉर्मेशन भी होती हैं जिसके ज़रिए से हम जल्दी अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ों को देख के। द रिबन इज सिलेक्टेड, रिबन को किसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार को बिलो करने के लिए है। नेक्स्ट है हाउ मैनी द टैब्स इन द रिबन, टैब्स रिबन टैब्स में कितने टैब्स होते हैं, 3 टैब्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर द टैब ऑफ द रिबन टैब्स, रिबन टैब में कितने टैब्स होते हैं, फाइल भी होता है, होम भी होता है, व्यूज भी होता है, ये ऑल के ऑल किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रिबन टैब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर देते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर इज प्रेजेंट विच ऑप्शन, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी पिक्चर इसके अंदर मौजूद होती है, ये सारी की सारी टूल बॉक्स में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ द टूल्स विद द रश इमेज एंड द शेप्स टुगेदर इज विद द टूल बार, ये सारी की सारी कहाँ होती हैं, टूल बार्स में प्रेजेंट होती हैं। इन द कलर बॉक्स पोर्शन द फर्स्ट सीक्वेंस इन द लेफ्ट साइड कलर आई सादा ए एन बी, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम चीज़ों के अंदर कलर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। 213 है MCQs है। इन द कलर बॉक्स पोर्शन द सेकेंड सीक्वेंस इन द लेफ्ट साइड कलर इज सेकेंडरी एंड प्राइमरी, रिपीट हो गया। इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन देयर इज, लेफ्ट कॉर्नर में हम कौन से रिबन करते हैं, हम लेफ्ट कॉर्नर रिबन के अंदर कौन सा कलर करते हैं, पेंट बटन के जरिए से इसके अंदर क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। नेक्स्ट है द वाइट एरिया ऑन द पेंट स्क्रीन इज नोन है, द वाइट एरिया ऑफ द पेंट का होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग एरिया कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं इधर। नेक्स्ट है 216, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करंट फॉर बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स,
आगे पीछे का बैकग्राउंड जो कलर हमें करना होता है हम किसके ज़रिए से कर सकते हैं, कलर बॉक्स के ज़रिए से। हमने आज जो टॉपिक कवर किया है वो MS पेंट को कवर किया है। इसके MCQs देखें, ये 6th क्लास के MCQs हैं, तो ऐसे ही MCQs पेपर्स में पूछे जाते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। आप इन MCQs को एक बार अच्छे से तैयार कर लें, आप लोगों के ये MCQs हर एक एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। इनके आप लोग डेली डेली रीडिंग करते रहें, तैयारी करते रहें। मैंने आप लोगों को मैथ के MCQs प्रोवाइड कर दिए हैं, इस्लाम मैथ के MCQs प्रोवाइड कर दिए हैं, अब हम कंप्यूटर के MCQs करें पंजाब टेक्स्ट बुक्स के। ये तो आप लोग रीड भी करते रहेंगे, जब भी आप लोगों की हेल्प होती रहेगी डेली के डेली इनको रीड करते रहें अच्छे से।